इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में पैन कार्ड को किस प्रकार से जो है आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपडेट कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है पैन कार्ड अभी तक उनके बैंक में अपडेट नहीं है, जिन्होंने आज से 7-8 साल पहले अपना अकाउंट ओपन करवाया था, उनका जो है उस टाइम पे बिना पैन कार्ड का ही अकाउंट ओपन हो पाता था, लेकिन अभी जो है उनका पैन कार्ड अपडेट करवा लेना बैंक में बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है और आप अगर चाहते हैं कि पैन कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल से किस प्रकार से अपडेट करना है, तो इस वीडियो में आप कंप्लीट प्रोसेस सीख पाएंगे। तो अगर आपके पास PNB वन ऐप है और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें और आप जो है पैन कार्ड को आप अपने अकाउंट से लिंक कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहां पे जो है पैन कार्ड को आप अपने बैंक में अगर लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको अपना मोबाइल में यहां पे PNB वन ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहां पे मेरे पास है, आप यहां पे देख सकते हैं ऐप यहां ओपन हो रहा है और मेक श्योर कि आपके फ़ोन में भी ये ऐप होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपना जो है PM PIN जो यहाँ पे मैंने सेट करा है उस पिन को यहाँ पे डालूँगा मैं, और पिन डालते ही ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन डैशबोर्ड है ऐप का यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचा कोना में एक सर्विसेज का जो ऑप्शन है आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है इसी पर टैप करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली ये अदर वाला जो ये ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको अदर का मिलेगा, आपको जो है इस पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पेन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपका कस्टमर जो आईडी है यानी जो यूज़र आईडी है वो देखने को मिल जाएगा, और यहां पे जो है आपका पैन नंबर आपको यहां पे टाइप करना है। पैन नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपली नीचे यहां पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल जो है पेन रजिस्ट्रेशन जो है रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, और इसके बाद जो है आपका जो पैन कार्ड है बैंक में ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।